हेलो फ्रेंड्स, इसमें आदि द साइंस का। फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किया था फाइन ग्रेन सॉइल का। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कोर्स के सॉइल की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, हमने फाइन ग्रेन सॉइल्स को क्लासीफाई किया था। किस तरह से किया था हमने क्लासीफाई? इस तरीके से कि हम लोगों ने कुछ सॉइल ली थी, उसको हमने सीव में डाला था 4.75 mm की सीव में, फिर उसको हमने पास कराया था सीव से, और कुछ अलग अलग सॉइल्स में बन गए थे ग्रेवल, सैंड और क्ले, और ये तीन केसेस बने थे। इस केस में हमने ये वाला केस किया था जब आपका इस सॉइल का 50% इस 75 माइक्रॉन से पास हो जाए, तो इसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी थी। अब हम कौन सा करेंगे, 50% और मोर, किस में रुक जाए आपका, इस 75 माइक्रॉन की सीव से ऊपर रुक जाए, ठीक है। तो अब इस सॉइल जो आपके यहाँ पे आएगी, इस सॉइल का हम लोग क्लासिफिकेशन करना है कोर्स केस सॉइल का। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन है उसके तीन केसेस बनते हैं। सबसे पहला जो केस है आपका, पहला केस जब व्हेन फाइंस आर लेस देन 5%, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सेकंड, व्हेन फाइंस आर बिटवीन, किसके बीच में, 5 से 12% के बीच में, और जब आपके फाइंस ग्रेटर देन 12% हो जाए। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि आपने जो सीव ली थी, दो सीव ली थी, एक ली थी 4.75 माइक्रॉन एमएम की और दूसरी ली थी 75 माइक्रॉन की, तो आपने इसके अंदर सॉइल डाली अपनी, और जब सॉइल डाली तो इसमें कुछ ग्रेवल रुक जाएगा, इसमें आपका सैंड पार्टिकल आ जाएगा और इसमें फाइन हो जाएगा। तो ये जो तो पार्ट होता था ये कोर्स ग्रेन होता था, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल होती थी आपकी। अब इस कोर्स के सॉइल में अगर जो ये फाइंस की मात्रा है वो 5% से कम है, मतलब ये फाइंस अगर ये 5% से कम हो रहे हैं सॉइल में, जो आपकी मेन सॉइल थी उस सॉइल में फाइंस की जो मात्रा है अगर 5% से कम है, तो हम ये वाला केस करेंगे, ठीक है। अगर फाइंस आपके 5% से 12% के बीच में है तो हम कौन सा केस करेंगे, सेकेंड केस करेंगे, और थर्ड आपका कौन सा केस होगा, 12%। मतलब क्या हुआ कि अब आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके फाइंस 5% से कम है तो आप जो क्लासिफिकेशन करेंगे कोर्स ग्रेन की, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल की आप जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें अगर फाइंस, जब फाइंस अगर निकल रहे हैं 5% से कम है, तो उसमें आप क्ले और सिल्ट का जो नोटेशन है एम, ठीक है, एन सी, ठीक है, सी क्ले के लिए, सिल्ट के लिए एम, ये नोटेशन नहीं आएंगे। जब फाइंस इसके बीच में होंगे 5 से 12%, वहाँ पर आपके डुअल सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे। फाइंस अगर 12% से ज़्यादा हो जाए तब आपका सिंगल नोटेशन आएगा, जैसे कि GM, ठीक है, GC, मतलब वहाँ पर, यहाँ पर क्ले और सिल्ट आपके यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे नाम में, नाम के क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपको क्या होगा, कोई दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पर GW आएगा या फिर GP आएगा, मतलब पुअर ग्रेडेड सॉइल या वेल ग्रेडेड सॉइल, इस तरह से आएंगे। मतलब कि जब 5% से ज़्यादा ही हो जाए आपके फाइंस की यहाँ पर निकलने का मात्रा ज़्यादा हो जाए, तभी इनके नाम पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा केस करेंगे, केस वन। केस वन हमारा क्या कहता है, व्हेन फाइंस आर लेस देन 5%, जब फाइंस की मात्रा क्या हो, 5% से कम हो। तो जब इसमें ऐसा हो तो वहां पर दो सॉइल होती हैं, एक होता है वेल ग्रेडेड सॉइल और एक होता है वेल ग्रेडेड सैंड। तो ये पता कैसे चलेगा कि उनके नाम कैसे करने हैं, तो जब आपकी जब सीव है 4.75 और ये कौन सी सीव होगी 4.75 mm की, और ये कौन सी होगी आपकी 75 माइक्रॉन की सीव। तो जब आप इसमें सॉइल डालेंगे तो कुछ इसमें सॉइल रुकेगी और कुछ इसमें सॉइल रुकेगी। जब 50% से ज़्यादा, किसके, कोर्स ग्रेन के, ये पूरा कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो मान लीजिएगा कुछ यहाँ पर आप 100 kg का डालते हैं, यहाँ पर कुछ 60 kg रुकता है और यहाँ पर 40 kg पास हो जाता है। इस केस में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर फाइंस कितना है 40 kg, यहाँ पर 40% पास हो रहा है। हम ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर 5% से कम हो, मतलब क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं 96 और यहाँ पर कर देते हैं 5 kg, मतलब यहाँ पर 5 kg पास हो रहा है और 96 kg यहाँ पर रुक रहा है, मतलब 96% यहाँ पर रुक रहा है। तो इस 96% का 50% अगर 4.75 में रुक रहा है, ठीक है, मतलब कि 50% से ज़्यादा, इस 96% का 50% क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 48। तो 48 kg से ज़्यादा 4.75 mm में रुक रहा है, ठीक है, तो कौन सा आपका सॉइल हो जाएगा, वो एक ग्रेवल सॉइल हो जाएगी। अगर 48% से ज़्यादा 96 का, अगर इससे यहाँ पे जा रहा है, मतलब 50% आपका यहाँ पर इससे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है कोर्स ग्रेन सॉइल का,
कोशिश करूंगा 50% क्या होगा 48, अगर 48 से ज़्यादा यहाँ पर आ गया गिर गया तो यहाँ पर क्या होगा आपका सैंड वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशंस में क्या होनी चाहिए, जो सी यू की वैल्यू है D60/D10। ठीक है, अब ये आपको पता होगा D60/D10 बताएं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। D60 क्या है, आपका इफेक्टिव साइज है उस सीव का जिस सीव से आपके 60% ऑफ पार्टिकल पास हो रहे हैं। मतलब कि अगर ये आपके पास सीव है, ठीक है, इस सीव में ये एक ऐसी सीव है, कुछ साइज होगा इस सीव का, ठीक है, मान लीजिए कुछ होगा 2.5 mm या 4.75 mm, ठीक है, तो कुछ इसका साइज होगा सीव का। अगर ये एक ऐसी सीव है, ढेर सारी सीव लगी होती हैं ऊपर नीचे से, ढेर सारी सीव लगी होती हैं, मान लीजिए ये सीव है, इससे 60% ऑफ पार्टिकल पास हो रहे हैं, 60% ऑफ पार्टिकल मतलब 60% ऑफ द सॉइल, 100 kg में से 60% इससे पास हो चुका है, वो D60 होता है। ठीक है, ऐसी D10 भी होता है, मतलब कि 10% ऑफ ऐसी सीव साइज जहां से 10% ऑफ द पार्टिकल पास हो रहे हैं। तो CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या बताता है, D60/D10, अब ये ग्रेटर देन होना चाहिए आपका 4 से। ठीक है, अगर ये 4 से ग्रेटर है तो आपका वेल ग्रेडेड गेवल में आता है। ऐसी CC आपका D² / 30/D60/D10। D² 30 क्या है, यहाँ पे वही इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल, मतलब जहां से आपका सीव से 30% ऑफ द पार्टिकल्स सॉइल के पास हो रहे हैं। ठीक है, इसमें CC की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो वो आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा, GW। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, इसको हम GP से डिनोट करते हैं। इस तरह इसमें है, इसमें क्या है, अगर 50% ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन पासिस 4.75 से अगर पास हो जाता है, कोर्स फ्रैक्शन का 50% मतलब 96 का 50% 48, और 48 से ज़्यादा यहाँ पर पास हो जाए, मतलब यहाँ पर अगर 50 kg हो जाता है, ठीक है, 96 में से अगर 50 kg यहाँ पर आ जाता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये 50 kg या 50 kg या ज़्यादा हो जाए यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका वेल ग्रेडेड सैंड वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे CU मतलब CU क्या है, D60/D10 6 होना चाहिए, ठीक है, 6 से बड़ा होना चाहिए, और CC की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपका कौन सा सॉइल होगा, वेल ग्रेडेड सैंड। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पोली ग्रेडेड सैंड। ठीक है, ये तो आपका केस 1 था। अब केस 2 देख लेते हैं। अब केस 2 में क्या है कि जब फाइंस 5 से 12% के बीच में हो, तो मैंने जैसे बताया था अगर 5% से कम है तो वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, मतलब कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं आता है कोई भी सिल्ट और क्ले सॉइल का नाम का। यहाँ पर 5 से 12 के बीच में है तो यहाँ पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, किसका, क्ले का। ठीक है, तो यहाँ पर डुअल सिंबल मैंने आपको बताया था, डुअल सिंबल यूज होता है, इसको हम बॉर्डर लाइन केस भी बोलते हैं, जो कि एक डुअल सिंबल देता है, जैसे कि SWSC। यहाँ पर ये आपको जो बता रहा है ये ग्रेडेशन बता रहा है, ग्रेडेशन हमने अभी इससे पहले किया केस 1 में, ठीक है, जहाँ पे हमने ग्रेड निकाला कि कौन से ग्रेड का आपका सॉइल है, पुअरली ग्रेडेड है कि वेल ग्रेडेड है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाला। फाइंस की अगर बात करें तो अगर फाइंस अगर 5 से 12% के बीच में है तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपको IP जो मैंने अभी बताया था, फाइंस अगर आपको पता हो क्लासिफिकेशन ऑफ हमने फाइन ग्रेन सॉइल में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने IP और IPC निकाला था, आपको शायद याद हो ये। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग ये पता करेंगे कि आपका जो सॉइल है कहाँ से, प्लास्टिसिटी चार्ट से हम लोग पता करेंगे जो आपका सॉइल है क्लेई है कि सिल्टी है। ठीक है, अगर IP की वैल्यू IPC से कम हो जाए, मतलब कि IP की वैल्यू यहाँ पर कहीं लाई करे, IPC है होता है किसकी वैल्यू 0.73 WL-20 के बराबर होती है, अगर यहाँ पर लाई करेगा तो कौन सा सॉइल होगा, सिल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर SM हो जाता। ठीक है, तो ये आपको बता क्या रहा है यहाँ पर, नेचर ऑफ फाइंस। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि GWGC, GPGC, GWGM और GPGM। GPGM जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, जहाँ पे हमने ग्रेडेशन निकाला था इससे केस 1 में, फिर हम लोग क्या निकालेंगे कि सिल्टी है कि क्लेई है वो पता करेंगे, तो कंटेनिंग सिल्ट एज अ फाइन, यहाँ पे सिल्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे फाइंस में। ठीक है, तो ये था केस 2, जब आपके 5 से 12% के बीच में आपके फाइंस हो। केस 3 में आते हैं। केस 3 क्या कहता है, जब आपके फाइंस 12% से ज़्यादा हो जाए, अगर जब आपके फाइंस 12% से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर भी ऐसे कुछ केसेस बनेंगे। फाइंस अगर 12% से ज़्यादा होता है, ग्रेवल के केस में देख रहे हैं, अगर IP की वैल्यू 4% से कम है
तो हमें क्या है 4%। अच्छा ये याद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर जितना दिख रहा है नंबर्स, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्लास्टिसिटी चार्ज याद करना है। प्लास्टिसिटी चार्ज जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये अपना प्लास्टिसिटी चार्ट है। अब इस प्लास्टिसिटी चार्ट में ये आपका 4 और 7 वही परसेंटेज है जो वहाँ पर हमने अभी पहले दिखाया, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो आपके 4 ये है, अगर आईपी के वैल्यू 4 से कम है, मतलब 4 से कम है, कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, एमएल आ जाएगा, है ना। और अगर आईपी के वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 7 से ऊपर है, आईपी कौन सा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इस 7 से अगर ऊपर है तो ये कौन सी रेंज है, यहाँ पे कौन सा जोन है, ये क्लेई जोन है, तो यहाँ पर क्ले जोन आ गया। अगर 4 से नीचे है तो कौन सा आ गया, सिल्ट जोन। अगर 4 से 7 के बीच में आ जाता है तो कौन सा आ जाता है, सीएल और एमएल। बस इसी तरह आपको ये हो जाएगा। तो अपना क्या था कि फाइन्स अगर 12% से ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला केस है, जब आईपी के वैल्यू 4 से कम है, तो 4 से कम था प्लास्टिसिटी चार्ट में, आपने देखा कि 4 से कम में 4 7 अगर 4 से कम होता है तो यहाँ पर सिल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जीएम, मतलब कि सिल्टी ग्रेवल, उसका नाम हमेशा उल्टे से बोला जाता है, ठीक है। आपको जी यहाँ पर पहले लिखेंगे, मतलब जो सॉइल है किसकी, ये ग्रेवल की है, और उसमें जो फाइन्स हैं जो 12% से ज़्यादा हैं कौन सी है, वो सिल्टी है, तो सिल्टी ग्रेवल, ठीक है, सिल्टी ग्रेवल सॉइल है। इसी तरह यहाँ पर 7% से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर कौन सा आ जाता था, क्ले वाला आ जाता था, तो जीसी। इस तरह सैंड में अगर मैं बात करता हूँ, सैंड में अगर आईपी वही सेम चीज़ है, आईपी अगर 4% से कम है और 7% से, ये दो केस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे जीएम लिखा था यहाँ पर एसएम लिख देंगे, जैसे जीसी लिखा था यहाँ पे एससी लिख देंगे। तो इस तरीके से आपके तीनों केस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डुअल सिंबल भी मैं आपको बताऊंगा, तो डुअल सिंबल प्लास्टिसिटी चार्ट में ही आपको दिखा देता हूँ। तो प्लास्टिसिटी चार्ट में हमने क्या है, डुअल सिंबल का पता करना है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए हमने फाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉल्व किया था, तो अगर आईपी, ठीक है, आईपीसी मुझे पता है, आईपीसी कैसे निकालते हैं, 0.73 टाइम्स डब्ल्यूएल माइनस 20। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप ये मेरे इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा अच्छी तरह से बताया है मैंने किस तरह से आपको आईपीसी और आईपीआई निकालना है। तो आईपी अगर यहाँ पर लाई करता है कहीं पे इस बाउंड्री में, कहाँ पे, जहाँ पर डब्ल्यूएल 35% है, ठीक है, इस पॉइंट में लाई करता है, या फिर यहाँ लाई करता है, या फिर यहाँ लाई करता है, या फिर यहाँ लाई करता है, यहाँ पे भी, ठीक है, इतने ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन सब में अगर लाई करता है, या फिर यहाँ पे लाई कर जाता है, यहाँ पे लाई कर जाता है, तो क्या आता है, इन सब के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम। तो अगर आईपी यहाँ पर लाई कर रहा है इस पॉइंट पे, तो डुअल सिंबल कैसे आएंगे, देखिए ये जो पॉइंट है ये इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, और आपको हमेशा लेफ्ट, मतलब जो आपका कम वाला पार्ट है, जो लेफ्ट है, ठीक है, उसको आपको पहले लिखना है और राइट वाले पार्ट को बाद में लिखना है, और यही आपको नोटेशन पूरे इसमें कंटिन्यू करते जाना है। जैसे मैं इस पॉइंट को लेता हूँ तो ये क्या कौन सा पॉइंट जाएगा, सी एल सी आई, ठीक है, ये डुअल सिंबल यहाँ पर आएगा। इस तरह यहाँ पर भी डुअल सिंबल बनेगा, कैसे बनेगा, सी आई सी एच, ठीक है। इस पॉइंट का अगर मैं देखूं क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं और इसका ये लेफ्ट वाला पार्ट, ये सी आई और एम आई, ठीक है, यहाँ तो सी आई एम आई हो सकता है, और यहाँ पर ओ आई भी है, ऑर्गेनिक सॉइल का भी है, तो सी आई ओ आई, ठीक है। इस पॉइंट का अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एम आई है, एम एच है, तो एम आई एम एच, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ लाई करता है तो एम एल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लाई करता है तो सी एल एम एल हो जाएगा, यहाँ पर भी डुअल सिंबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डुअल सिंबल लिख सकते हैं। बस एक क्वेश्चन अब लास्ट मैं करा देता हूँ जल्दी से, ये गेट का क्वेश्चन है 2009 का, और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं। तो लेबोरेटरी टेस्ट है, रिजल्ट ऑफ अ सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो, हमें परसेंटेज फाइनल देके रखा है 4.75 mm, 60% पास हो चुका है 4.5 mm से, मतलब 4.75 mm से 60% पास हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा ग्रेवल में, 40% बचेगा, ठीक है। परसेंटेज फाइनल 75 माइक्रोन सीव से 30% पास हो चुका है, तो मतलब इससे नीचे कितना पास हो चुका है, 30%, ठीक है। तो 60% में से 30% अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर भी 30% बचता है, तो हमें यहाँ पर हर चीज़ के परसेंटेज पता चल गई कौन सी चीज़ कितनी है। तो ग्रेवल यहाँ पर मुझे पता चल चुका है, इट इज 40%, मुझे यहाँ पे सैंड भी पता चल चुका है दैट 30%, और ये आपको कितना है 30%, मतलब कि आपने क्या किया था, मतलब कुछ मान लेते हैं 100 kg का आपने सॉइल ली, उसमें से आपने 60% आपका कितना निकला,
पास हो गया 4.75 में, तो 100 में से 60% घटाते हैं तो 40% यहाँ बचेगा, 30% यहाँ बच गया और 30% यहाँ बच गया, तो ये हमारे पता चल गई। तो इन टोटल का सम कितना है 70%, और 70% का हाफ करते हैं 35, तो ज़्यादा कौन सा है, तो 35 से ज़्यादा हो गया 40 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये टोटल है 70%, ठीक है, और इस 70% का हाफ अगर मैं करता हूँ, मतलब 50% मुझे देखना है ना कि 50% मेरा इसके ऊपर रुका हुआ है कि इससे पास ज़्यादा हो गया है कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का, ठीक है, जो हमने केस वन में पढ़ा था। तुमने क्या कर देखना है, इसका डिवाइड किया तो 35% आया, और 35% से ज़्यादा कौन है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है। मतलब कि इस कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन में 40% मतलब 50% से ज़्यादा, ठीक है, 35 से ज़्यादा आपका कौन सा है, ग्रेवल वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, जो आपका सॉइल है सबसे पहले तो ये पता चल रहा है मुझे ग्रेवल वाला है। अब मैं फाइंस को देख लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है फाइंस आर ग्रेटर देन 12%, तो एक कौन सा केस बन गया यहाँ पर, थर्ड केस बन गया, जो हमने तीसरा केस पढ़ा था इसमें हमने देखा कि हमें पता चल गया कि फाइंस ग्रेटर देन 12% है। 12% कैसे ग्रेटर देन, यहाँ पर ये पार्ट है, मतलब 30% से, मतलब 30% पास हुआ है तो ग्रेटर देन 12% यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो हम ये यहाँ से पता करेंगे कि आपका ये क्लेइप वाला पार्ट है कि सिल्टी है, और ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी और आईपीसी पता होना चाहिए, और आईपी निकालने के लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है डब्ल्यूएल और डब्ल्यूपी की वैल्यू, तो डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूपी यहाँ से मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा 8%, और अगर मैं आईपीसी अगर निकालता हूँ तो आईपीसी कैसे निकालते हैं, मुझे पता है 0.73 टाइम्स डब्ल्यूएल माइनस 20, और यहाँ से वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पर 35 माइनस 20 यहाँ पर करता हूँ तो कितना आ जाएगा 10.95। तो ये मुझे आईपीसी की वैल्यू पता चल गई, आईपी की वैल्यू पता चल गई, इसको मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 20, 35, 50 इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये 4 और ये 7, ठीक है, मुझे आईपी की वैल्यू पता है, दैट इज योर 8%, ठीक है। तो 8% कहाँ होगा, पहले मुझे आईपीसी पता होना चाहिए 10.95 है, और किस लिक्विड लिमिट में है, 35 में, 35 में यहाँ पे 10.95, मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ तक ऐसे, ये है 10.95, ठीक है, और आईपी की वैल्यू है 8%, मतलब कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, और ये पॉइंट यहाँ पे अगर लाई कर रहा है तो ऊपर क्ले जोन होता था और यहाँ पर सिल्टी जोन होता था, ठीक है। तो ये सॉइल कौन सी हो जाएगी, जी एम, ठीक है। ग्रेवल कहाँ से पता चला, मुझे यहाँ से पता चला, कौन से वाले की 50% ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पर रिटेन हो गया है 4.75 mm की सीप पे, ठीक है। और फिर मुझे ये सेकंड वाला पार्ट कैसे पता चला, इसलिए पता चला क्योंकि मैंने अपने सबसे पहले देखा कि फाइंस यहाँ पर ग्रेटर देन 12% है, अगर ग्रेटर देन 12% है तो यहाँ पर मुझे आईपी और आईपीसी के वाले पता होना चाहिए, और वो पॉइंट पता होना चाहिए जहाँ पर लाई कर रहा है, वहां से मुझे ये सिर पता चल गया। तो इस तरह से आपको सारी क्लासिफिकेशन करनी है। थैंक यू।